लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपनी आने वाली शॉर्ट मूवी की स्क्रीनिंग में बिजी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने मीटू पर बात करते हुए कहा, मीटू मूवमेंट के बाद फिल्म सेट पर महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार में काफी बदलाव आया है। 03-20-20-0721 बॉलीवुड तड़का टीम। एक्ट्रेस काजोल इन दिनों अपनी आने वाली शॉर्ट मूवी की स्क्रीनिंग में बिजी हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने मीटू पर बात करते हुए कहा, मीटू मूवमेंट के बाद फिल्म सेट पर महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार में काफी बदलाव आया है। एक्ट्रेस के मुताबिक इस आंदोलन के बाद पुरुष अपने व्यवहार और सामने वाले की सहमति को लेकर पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद जरूरी कदम था जिसका असर साफ नजर आ रहा है। भारत में ये इतने बड़े स्तर तक जाएगा और मुझे वास्तव में गर्व हुआ कि लोगों में बाहर आने और बोलने का साहस था। कुस्टार श्रुति हासन ने इस बारे में बात करते हुए कहा, आरोप सामने आने से चीजें बदली हैं। फ्लाइट में मैंने अपने एक को पैसेंजर को शारीरिक निकटता और उस स्थान पर कैसे व्यवहार करें पर एक मैनुअल पढ़ते हुए देखा था। फिल्म की बात करें तो देवी शॉर्ट फिल्म में अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाली 9 महिलाओं की कहानी है जिन्हें कुछ हालात के चलते एक कमरे में वक्त बिताना पड़ता है। इस फिल्म में काजोल के अलावा नेहा धुपिया, नीना कुलकर्णी, मुक्ता बारवे, शिवानी रघुवंशी, संध्या म्हात्रे, रमा जोशी और रशास्विनी दयामा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। महिला केंद्रित इस फिल्म की डायरेक्टर प्रियंका बनर्जी हैं। बता दें कि मीटर टू मूवमेंट की शुरुआत हॉलीवुड से हुई थी जिसके बाद साल 2018 में भारत में कई महिलाओं ने इस मूवमेंट के तहत एक्टर्स, फिल्ममेकर्स, राइटर्स और पत्रकारों के खिलाफ आवाज उठाई। नाना पाटेकर, आलोक नाथ, साजिद खान, विकास बहल और रजत कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे।